नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पालघर में हमारे दो सनातनी साधुओं को निर्मम तरीके से हत्या की गई और अब यूपी के बुलंदर शहर के एक मंदिर में दो साधुओं की धारदार हत्या से काटकर हत्या कर दी गई। आखिर हमारे साधु संतों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उनको टारगेट किया जा रहा है? योगी जी, आप उत्तर दें, ये राम राज है या रावण राज? इस घटना से संत समाज बहुत आहत में है और अगर एक महीने में उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषियों को सजा नहीं दी गई तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के संत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। कल 27 अप्रैल को बुलंदर शहर में उत्तर प्रदेश में हमारे दो संतों को, दो साधुओं को तलवार से काट डाला, निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई है। पूरा संत समाज स्तब्ध रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपके राज्य में संतों की हत्या, वो भी संतों को काट डाला, ऐसी हत्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आखिर राम राज्य है कि रावण राज्य है? योगी जी, एक महीने के अंदर इसकी जांच होना चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई षड्यंत्र है। जिस ढंग से इसको मारा गया है, तलवार से काटा गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है, क्योंकि जिस ढंग से हमारे संतों के प्रति क्यों आक्रोश है लोगों को, हमारी समझ के परे हैं। एक देखिएगा, पालघर में पीट पीट करके हमारे दो संतों को हत्या कर दी और यहां बुलंदशहर में यूपी में दो संतों को तलवार से काट डाला। एक महीने के अंदर इसकी जांच नहीं हुई, एक महीने के अंदर इसका दूध का दूध पानी नहीं हुआ, तो योगी जी आप समझ लें, पूरा संत समाज मध्य प्रदेश से, पूरे देश से इकट्ठा होगा, 10,000 की संख्या में पूरा संत समाज बुलंदशहर पहुंचेगा, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे।